Corpbiz. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या दीक्षित। आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा चैनल कॉर्पबिज। आज इस वीडियो में हमारा चर्चा का विषय है ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि आखिर ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन क्या होता है, कौन ट्रेडमार्क क्वेरीज क्वेश्चन रेज करता है और कौन से वो सर्टेन ग्राउंड होते हैं, यानी कि किन केसेस में ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन होता है। हम ये भी जानेंगे कि उन ऑब्जेक्शन का रिप्लाई हम कैसे और किस तरह बेहतर प्रक्रिया अपना कर उनका रिप्लाई किया जाए। इसके साथ ही दोस्तों हम डॉक्यूमेंट्स की भी चर्चा करेंगे कि कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी जब आप ऑब्जेक्शन का रिप्लाई देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन, देखिए अगर आपका ट्रेडमार्क ऑब्जेक्ट हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ट्रेडमार्क रिजेक्ट हो चुका है या रिजेक्ट होने वाला है, क्योंकि ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन के माध्यम से संभावनाएं बढ़ जाती हैं, यानी अपग्रेडेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका ट्रेडमार्क और बेहतर तरीके से रजिस्टर होगा। देखिए बेसिकली बात की जाए तो ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन है वो इनिशियल स्टेज है, यानी कि सबसे प्रथम श्रेणी है। जब भी कभी आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन कौन रेस करता है, ट्रेडमार्क एग्जामिनर रेस करता है या फिर कोई थर्ड पार्टी है वो रेस करती है। कुछ सर्टेन ग्राउंड होते हैं, कुछ केसेस होते हैं, उन केसेस में थर्ड पार्टी या फिर ट्रेडमार्क एग्जामिनर होता है वो क्वेरीज क्वेश्चन रेस करता है हमारे ट्रेडमार्क को लेके। कौन से वो सर्टेन केसेस हैं, अगर हमारा फॉर्म इनकरेक्ट है या फिर एप्लीकेंट नाम हमारा इनकरेक्ट है, कुछ ऐसे डिसेप्टिव वर्ड का यूसेज हमने किया है जो सही नहीं है, इसके अलावा कुछ ऐसे ऑफेंसिव टर्म हैं, अगर ऑफेंसिव टर्म हमारे पाए जाते हैं तो उस केस में भी ऑब्जेक्शन रेज होता है। इनसफिशियंट इन्फॉर्मेशन ऑन गुड और सर्विसेज, यानी कि जिस गुड और सर्विसेज का हम ट्रेडमार्क करवा रहे हैं उसकी पर्याप्त इन्फॉर्मेशन हमने नहीं दी है, और इसके अलावा अगर हमारा जो ट्रेडमार्क का लोगो है वो हमारे जो कॉम्पिटिटर है यानी कोई थर्ड पार्टी है उसका भी लोगो सेम निकलता है तो इस केस में ऑब्जेक्शन रेज होता है। यानी कि आइडेंटिकल लोगो ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यानी कि जो हमने लोगो दिया है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है जिसको लेके क्वेरी रेज की गई है और इन क्वेरीज का रिप्लाई देना है, और ये सब होता है अंडर सेक्शन 9 एब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल और सेक्शन 11 यानी कि रिलेटिव ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट के अंतर्गत। तो ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन के समय हमें बहुत समझदारी से काम लेना है, यानी कि हमने जो ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया है उसको लेके ऑब्जेक्शन रेज हुआ है यानी किसी ने सवाल उठाए हैं या फिर किसी जो थर्ड पार्टी है उसका लोगो हमारे ट्रेडमार्क के लोगो से मिलता जुलता है, तो जो भी ऑब्जेक्शन रेज किया गया है उसका रिप्लाई दोस्तों बहुत समझदारी से हमें देना है, बहुत काम होके। यानी कि देखिए जो हमने ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया, ठीक है, अगर हमने सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी उस केस में ऑब्जेक्शन रेज होगा यानी कि सवाल उठेंगे, और अगर हमारा जो लोगो है ट्रेडमार्क का वो किसी थर्ड पार्टी के लोगो से मिलता जुलता है तो उस केस में भी ऑब्जेक्शन रेज होगा यानी क्वेरीज रेज होंगे, और उन सारी क्वेरीज का उन सारे सवालों का जवाब हमें बहुत अच्छे तौर पे, बहुत लिखित तौर पे और सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के साथ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार को सौंपने होंगे और एक क्लैरिफिकेशन भी देना होगा। तो दोस्तों ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन जो भी रेज हो रहा है उसका रिप्लाई हमें बहुत बेहतर तरीके से, बिल्कुल भी उस चीज़ को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपने बहुत बेहतर तरीके से उसका रिप्लाई नहीं किया समझदारी के साथ तो आपका जो ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन रेज हुआ है वो रिजेक्शन की ओर भी बढ़ सकता है। तो दोस्तों अगर आप ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन के रिप्लाई के बारे में सोचें कि आखिर किस तरह का रिप्लाई किया जाए, उसका तरीका तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं यानी कॉर्बिस के साथ जुड़ सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा, सिर्फ कॉर्बिस का जो पेज है उस पे जाके फॉर्म फिल करना होगा, तुरंत एक कॉल आपके पास आएगा और आपकी जो सारी समस्या है यानी कि किस तरह रिप्लाई किया जाए, जो ऑब्जेक्शन रेज हुआ है उसका सामना किस तरीके से किया जाए ताकि हमारा जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर हो जाए, तो दोस्तों कॉर्बिस की जो लीगल टीम है, एक्सपर्ट टीम है, वो आपकी मदद करेगी और आपके काम को बेहतर और आसान बनाएगी। रिस्पॉन्ड टू ऑब्जेक्शन रेज्ड, तो एक बार जब ऑब्जेक्शन फाइल्ड हो जाती है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार की तरफ से, तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार होता है वो एक नोटिस देता है रजिस्टर प्रोप्राइटर को, यानी कि जो एप्लीकेंट होता है उसके पास एक नोटिस जाता है और उस नोटिस के माध्यम से उसको अपना जवाब देना पड़ता है, यानी कि जो ऑब्जेक्शन रेज्ड हुआ है उसका रिप्लाई एप्लीकेंट को करना होगा। रिसिप्ट ऑफ ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन,
देखिए, एक बार जब एप्लीकेंट हमारा ऑब्जेक्शन रिसीव कर लेता है तो एप्लीकेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि सबसे पहले वो स्टडी करे, एनालाइज करे थॉरली, यानी कि किस पॉइंट पे जाके ऐसी कौन सी कमी थी, ऐसी कौन सी गलती हो गई ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के दौरान कि हम ऑब्जेक्शन रेज हुआ। ऑब्जेक्शन रिप्लाई, तो एक बार एप्लीकेंट ने थॉरो स्टडी कर ली, यानी कि ऑब्जेक्शन क्यों रेज किया गया, उसके बाद क्या करना है, एप्लीकेंट को काउंटर स्टेटमेंट तैयार करना है जो ऑब्जेक्शन रेज किया गया है, और जो फॉर्म है हमारा यानी कि TMO एप्लीकेशन फॉर्म, उसको फिल करना है अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स, यानी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ उसको फॉर्म को भरना होगा। एफिडेविट स्टेटिंग द यूसेज ऑफ ट्रेडमार्क, यानी कि एक एफिडेविट जिसमें बताया गया है कि ट्रेडमार्क का यूसेज किया गया है। मीडिया में एक एडवर्टीजमेंट, एक प्रूफ आपको देना होगा अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेडमार्क ऑनलाइन, यानी कि आपको एक प्रूफ देना होगा कि आपका जो ट्रेडमार्क है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। इसके अलावा आपको ये सारे रिप्लाई करने हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ, जिसके लिए आपको ट्रेडमार्क ई फाइलिंग पोर्टल ऑनलाइन पर जाकर करना होगा। हियरिंग, देखिए जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार होता है या फिर अथॉरिटी होती है, अगर वो ऑब्जेक्शन रिसीव करती है तो या तो वो ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट करती है या फिर उसको रिजेक्ट करती है। अगर एक्सेप्ट किया जाता है तो वो एप्लीकेशन आपकी जो ट्रेडमार्क जर्नल है वो पब्लिश करेगा, और अगर पब्लिश नहीं होती है इन केस तो हियरिंग के लिए एक नोटिस जारी की जाती है। ट्रेडमार्क जर्नल, देखिए ट्रेडमार्क जर्नल में भी वही प्रक्रिया है जो मैंने हियरिंग में आपको सुनाई थी कि अथॉरिटी जो होती है वो या तो एक्सेप्ट करती है या तो रिजेक्ट करती है, और एक्सेप्टेंस के बाद पब्लिश किया जाता है जो हमारा रजिस्ट्रेशन होता है ट्रेडमार्क का, और जो हमारा एप्लीकेंट होता है उसको बताया जाता है कि आपको जो ट्रेडमार्क है वो पब्लिश हो चुका है, और अगर रिजेक्ट होता है तो एक नोटिस जारी की जाती है हियरिंग के लिए कि आगे वो एप्लीकेशन आपकी फॉरवर्ड हो रही है हियरिंग प्रोसेस के लिए। रिव्यू पिटीशन, अब हमारी एप्लीकेशन मानिए रिजेक्ट हो गई और जो रिफ्यूजल ऑर्डर की जो रिसिप्ट है वो एप्लीकेंट ने रिसीव कर ली, तो एप्लीकेंट को 30 दिन के अंदर रिव्यू पिटीशन फाइल करनी होगी और बताना होगा कि किस बेसिस ग्राउंड के ऊपर, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ें वो प्रेजेंट कर रहा है, किस बेसिस पे उसकी जो एप्लीकेशन है वो रजिस्ट्रेशन के लिए आगे फॉरवर्ड होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन, तो सारी प्रक्रिया हो गई, ट्रेडमार्क हमारा पब्लिश हो गया ट्रेडमार्क जर्नल द्वारा, उसके बाद ये ओपन रहता है यानी कि 4 महीने, अगर 4 महीने के अंदर कोई ऑपोजिशन पार्टी है वो क्वेश्चन रेज करती है, ऑब्जेक्शन रेज करती है, तो आगे की प्रक्रिया देखी जाएगी, लेकिन 4 महीने के भीतर अगर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया जाता तो ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है और उसी के लिए सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, तो दोस्तों चलते चलते नजर डाल लेते हैं डॉक्यूमेंट्स पे भी, यानी कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी जरूरत आपको पड़ेगी हियरिंग के टाइम पर। सबसे पहले दोस्तों आपको अथॉरिटी लेटर की जरूरत पड़ेगी, एफिडेविट फॉर द यूसेज ऑफ सच ट्रेडमार्क, इसके अलावा एग्जामिनेशन रिपोर्ट अथॉरिटी की, ट्रेडमार्क हियरिंग नोटिस जो एप्लीकेंट ने रिसीव किया है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ये दर्शाता हुआ कि ये ट्रेडमार्क बिजनेस में यूज हो रहा है, इसके अलावा प्रूफ ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेडमार्क ऑनलाइन। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, भविष्य में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कॉर्पबिज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करना ना भूलिए। जल्द मुलाकात करेंगे दोस्तों एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।